Hey guys, it's Shannath, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम react करने वाले हैं माल सफदर के vlog पे and he has gone to Medina with his entire family and हम उसी vlog पे react करने वाले हैं and देखेंगे वहाँ का कैसा experience रहता है and क्या-क्या वो लोग करते हैं. So without wasting any time, let's get into the video. Before getting into the video, अगर आप लोग अभी तक हमें Instagram पे follow नहीं कर रहे तो ये हमारे दो handles हैं. Please do follow us. अपी जन्नत जैसा कहते हैं वैसे करना पड़ता है. अपी जन्नत आगे की बात भी कह दीजिए. लेट्स स्टार्ट द वीडियो अगेन. बस खड़े होंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये जगह सही है. अरे बाबा ने दुआ शुरू कर दी है. 1 2 3 वन वन टू थ्री. देखो देखो. अच्छा अस्सलामु अलैकुम. तो भाई ये व्लॉग हो रहा है भाई मगरिब के बाद से स्टार्ट, क्योंकि अभी जो सीन हमने सोचा है वो ये सोचा है कि अभी चलते हैं हम गुंबद खिज़्रा के बिल्कुल करीब, लाइक बिल्कुल क्लोज. आज मैं अकेला आ गई थी, ये लोग ना पानी आने के लिए रुके थे, मैं अकेला आ गई. तो भाई ये लोग आ चुके हैं. लेट्स गो. रेडी है? आंखें बंद करके चलनी है. आप याद है हमने कैसी आंखें बंद की थी पिछली बार? तीनों चारों ने यह नजरें, हाँ बंद नहीं कहीं करी जाओ, नीचे नजरें, बिल्कुल नीचे नजरें होंगी. और जब वहां पर पहुंच जाओगे बता दूंगा सभा, अब ऊपर देखना है. और पता है क्या है कि जब तक आप एक जपक नहीं हो जाए ना, जब तक दुआ मांगते रहना. प्रैक्टिस की थी हाँ, यूं करके फुल आंखें तेज खोल लेना, ठीक है? हाँ जितनी भी दुआ मांगो, हर नमाज मांगो, लेकिन एक झलक पे मांगो, क्या पता वो बिल्कुल करीब हो दिल के, वो आपकी कबूलियत बहुत हो सकती है. चांसेस ज्यादा है, लोग कहते हैं. ऐसा होता भी है क्योंकि मैंने तो आजमाया है भाई, तो मैं यही बोलूंगा कि इनके साथ भी भाई यही हो. और तुम्हारे साथ दुआ है? अरे तुमने दुआ मांगी थी, मतलब जो पहली नजर में वो तुम्हारी कबूल हुई थी, नहीं हुई थी? उस वक्त तुम छोटी थी क्या? अपना कोई किस्सा जो आपने देखा हो और उसके बाद आपने दुआ मांगी है फर्स्ट नजर वाली खाने काबा और मदीना में, वो कबूल हुई है आपकी? हाँ हुई है, देर में होती है. कंफर्म मैं कंफर्मेशन तो लू ना यार, कभी कबूल तो. हाँ क्यों नहीं मांगा था पिछली बार? कैसा सभा और मेरे हक में बेहतरी कर और मेरे से शादी करा दे इस कसम से. ये मेरी पहली झपक वाली था, मतलब हो गया. देखो आसाद जा रहे हैं और बाजी ताजुद पढ़ना है, उसके बाद हम फजर के बाद आपको मिलेंगे. सही है, सो गए कब? हम लोग सो जाएंगे अभी जाके. सो के उठो जो ताजुद पढ़ोगी ना. हाँ ना, जरूरी नहीं होता. वैसे भी कहते हैं आप ताजुद की नमाज पढ़ सकते हैं. वैसे वैसे एक बात बताऊँ आपको, तो हम अभी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा घुस जाते हैं, तो मैं इसका बहुत ख्याल करूंगा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई सब शुरू हो जाए कि भाई ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं. तो आप लोगों ने कोई अपना वो नहीं देना, बस जिसका जैसा उसको जैसी बात करनी है अल्लाह है कबूल करने वाला. तो अगर कोई गलती कभी होती है तो माफी अल्लाह ही देगा, आप लोग नहीं करोगे माफ किसी को. जी कैसे हो? ठीक हो? कैसे हो? ठीक हो? तो बस अल्लाह ही माफ करेगा ना. तो आप लोगों ने फिर वो चीज को लेके बैठ नहीं जाना कि कहीं धड़ा धड़ा कमेंट करते रहो, ये नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा. अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के पास है और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा. मुझे वैसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, जब तक मैं देखूंगी नहीं ना. अच्छा नमाज भी पढ़ ली. नमाज भी पढ़ ली फिर भी यकीन नहीं आ रहा? घूम रही हूँ इधर उधर भी, यकीन ही नहीं आ रहा. मैं भी ठीक अलहमदुलिल्लाह. मान सलाम, कैसे थी? थैंक यू. पापा लोग कहाँ चले गए? वो स्पीड में जा रहे हैं. वो मैं स्पीड में. ये सामने 33 गेट आ चुका है और 34 गेट, इसके मतलब अभी यूं मुड़ेंगे राइट और फिर सीधा जाकर जो है फिर आएगा गुम्बद खिज़्रा. सही टोले के टोले आए हुए, टोले के टोले जा रहे हैं. हमारी सिर्फ फैमिली आई है. सर टोलों में भी लोगों को मजा आता है और अक्सर फैमिली में मजा आता है, तो पिछली बार भी हम फैमिली के साथ आए थे, टोले के साथ नहीं आए थे, और इस बार ही फैमिली के साथ. कभी ऐसा भी करेंगे कि टोले के साथ भी आएंगे, क्योंकि टोले में पता है क्या, टोले में मतलब होते लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग, और एक ही होटल, एक ही बस, मतलब वो सारा बस का सफर होता है ना. बस नीचे कर लो, क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है. हमने ज्यादातर जो कैमरा है वो सभा पे ही रखना, क्योंकि सभा का तो फर्स्ट टाइम है, तो मैं अपना तो नहीं दिखा पाया था, लेकिन सभा का बिल्कुल कैप्चर करके दिखाएंगे कि क्या फील होता है. अभी आई थिंक आगे है, मैं नहीं देख पा रहा, कौन बताएगा कि आगे पीछे, जब देख ही कोई नहीं रहा. तो आगे देखो कितना रश है, क्योंकि यहाँ पर गुम्बद खिज़्रा है ना, तो उस साइड पे था रश नहीं था, लेकिन इधर काफी लोग. देखो छतरी की वजह से ना नहीं दिख रहा, तो हम उस साइड पे जाएंगे ताकि बिल्कुल क्लियर दिखे. देखो वहाँ पर कितना रश है, सारे लोग आए हुए वहाँ पर. बस आ गया, बस आ गया. अरे बाबा ने दुआ शुरू कर दी है. 1 2 3 1 2 3 देखो राइट साइड में. जब अगले बलग मांगी मैं साइड में.
तू भी दुआ मांग रही है? नहीं नहीं मैं देख रही हूँ, उसका फर्स्ट टाइम है ना। भले चपक गई हूँ आग, लेकिन दुआ तो आपने लाजमी मांगनी है, तो मैंने बिल्कुल जो मेरे क्लोज दिल के करीब दुआ जी ने सारी मांग ली। नहीं मैंने शायद दुआ जलेली मांगी, फिर हाँ। मेरे पास जबक गई, मेरी भी जबक गई। दिया यहाँ पर आकर तो जो है ना सारी जिंदगी हर टाइम मांगते हो, हर टाइम मांगते हो, थोड़ी मना थोड़ी, बिल्कुल ऐसी मना ही नहीं, बिल्कुल ऐसी। मॉम मेरे लिए मांग ले प्लीज यार, मॉम मॉम प्लीज, थोड़ा बहुत चलते फिरते मैंने मांगी आप सब मांगे मैं। अरे थैंक यू बस चलो अब अल्लाह कबूल कर लेगा। पता है आपको अल्लाह बोलता है कि दुआ करते हुए ना आपका दिल रो जाए, मुझसे गिड़गिड़ा के मांगे बंदा मेरा, मुझसे गिड़गिड़ा के मांगे, एक आंसू कतरा भी गिर जाए ना खत्म, दुआ होनी है कबूल पक्की पक्की। मदर के जरा देख लिया और अभी जा रहे हैं भाई आगे ही, और इशा में जो टाइम बचा है सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट, तो अब खाते हैं भाई थोड़ा सा खाना, और पक्का वाला खाना जो है वो हम खाएंगे भाई इशा के बाद। अगर अभी खाने चलेंगे ना तो फिर नमाज का मसला हो जाएगा, तो नमाज इम्पोर्टेंट है, खाना इधर बाद में। एडिट भाई नहीं हमारे साथ, अब हम खाना बाद में खाया करेंगे। दुकानें बंद हुई यहाँ पर, छोटा मोटा खाने को मिल जाता था। अच्छा दुकानें खाने भी नहीं गई थी यहाँ पर? हाँ ये बैक साइड है, खत्म हो गया। तो आगे देख लेते थोड़ा बहुत हल्का बहुत मिल जाएगा, जूस या ये लेज वगैरह। आ जाए तो अभी खाने की तलाश में छोटे मोटे, अरे शावरमा मिल जाता है यहाँ पर, हम लोग इसमें ज्यादा खाएंगे ठीक है। चलो ठीक है ना, आप इधर से भी आ जाते हो और आप भी आ जाते हैं ठीक है। अभी हमने लिया भाई 6 रियाल की 2 चाय। तो भाई इशा की हो गई नमाज और अब हम जा रहे हैं भाई खाना लेने। हुसैन और मैं पापा चले गए अपने रास्ते, अम्मा लोग होटल चले गए, पापा ने बोला कि तुम जाके खाना लेकर आओ। थक तो बहुत गए, टांगे हमारी टूट चुकी है सुबह से, चल चल के। मैं नहीं थका भाई, तू नहीं थका? तो एक काम कर, मैं भी उठ जाऊँ, तू अकेले ले जा। लेकिन हम लोग टैक्सी कराते हैं, दर्शक चलते हैं टैक्सी में। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। ब्रदर अलबेक अलबेक हाउ मच? 25 रियाल। 15 ओके ओके गो 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 15 बहुत है, चलो चलो भाई 25 रियाल से 15 रियाल का आ गए, चल लेट्स गो। ब्रदर यू आर मी यार, अभी इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान से यार हबीबी अत्तयारा बत्तयारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अत्तयारा बत्तयारा? प्लेन 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 जहाज प्लेन। राइट, डमांडस मैंने पता नहीं कहाँ सीख लिया। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ, हम टैक्सी में बैठ तो गए थे लेकिन वहाँ पर इतना रश था, जहाँ पर हम 10-15 रियाल देके जा रहे थे, तो हम आए भाई काफी दूर, मतलब 20 किलोमीटर दूर आए, और यहाँ पर हम फिर दे रहे हैं इनको भाई 80 रियाल, मतलब आने जाने के, क्योंकि भाई घर वालों ने बोला कि आज अलबेक ही खाएंगे, फरमाइश है, तो चलते हैं भाई अलबेक और ले लेते हैं यार, आज का दिन थोड़ा कर लेते, थोड़ा खर्चा हो जाता, खैर हो गई, पहले दिन है ना। तो फिर वहाँ हमें 3-4 घंटे लगते हैं उधर बाहर, बाहर लाइने लगी हुई थी, बाहर लाइने लगी हुई थी यार, इतनी लाइने। तो इधर इधर रश कम है तो इधर से लेते हैं, क्योंकि काफी दूर है ना, लोग इधर कम आते हैं। अबे आ जा। तो भाई पहुंच चुके हैं ऑर्डर के पास, तो देते फटाफट से ऑर्डर। अलबेक के 2 पैक लेने हमें और बाकी 2 फिश बर्गर। वो देखो नाउ सर्विंग लिखा हुआ 361, तो जब हमारा नंबर आएगा तो जब ही जाएंगे वहाँ पर। भाई 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 बोला कि मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ यार, थैंक यू सो मच यार, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं यार थैंक यू, मैंने उसको रोका हुआ यार। अच्छा तो यार इधर के सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जो सारों ने मुझे बोला था कि मिलना मिलना मिलना, लेकिन जो जो हमें रास्ते में मिल रहे हम उनसे मिलते जा रहे हैं, और बस ये बोले थे मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने यार ड्राइवर रोक लिया था कि भाई आप रुकें, तो बस ये बात है। लेकिन एक चीज़ है, मैंने इस बंदे से पूछा ना जो यहाँ रहता है, मैंने बोला हरम से यहाँ तक के कितने पैसे होते हैं, बोलते 20 रियाल, ये भाई हमसे ले रहे 40 रियाल, लेकिन हम इनको कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेने दो। ओके अबे सही रख सारा, ठंडा नहीं होने चाहिए। अरे भाई पहुंच गए, इन्हें ले लिए हमसे 80 रियाल फोकट में, और बोलते 100 रियाल दे दो, मैंने बोला यू आर मुस्लिम, बोलता यस मुस्लिम, फिर बोलता 80, चलो ठीक है अब चलते हैं भाई डायरेक्ट ऊपर। अबे बैल नहीं बजा बे, अरे खोलो, अरे आ गए अभी तो जल्दी आ गए, शुक्र आप लोग देखेंगे पता लगेगा कि कैसे आए हम जल्दी, ट्रिक की हमने बड़ी ट्रिक, वरना 4 घंटे बाद आते अभी हम, 1-2 बज जाते हैं हमें रात के, तो खाते हैं भाई रात का खाना। पापा और बाजी तो भाई गए हुए नीचे, पता नहीं किस काम से नीचे गए हुए, तो उनके लिए हम थोड़ा बचा देंगे, लेकिन हमें लगी है भाई बड़ी भूख, क्योंकि इस टाइम हो रहा है 10:30। तो मिलते फिर आपको भाई सुबह उठकर, अभी ब्लॉग एडिट करना है और फिर सोना भी।
सही से भाई अभी जा रहे हैं भाई नीचे, पापा लोग नीचे जा चुके हैं और अभी जोर की नमाज हो चुकी है, हम वापसी ऊपर आ गए थे, अब जा रहे हैं भाई खाना वाना खाने। पापा ने बोला कि आज भाई करीब करीब खाने खाते, थोड़ा सा दूर खाते हैं, और क्या खाते हैं? मंदी, जो हम सब की है फेवरेट। ऐसे हो भाई मंदी खाने की साइड हो? चलो 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 भाई, बहुत वेट कर लिया, इधर बैठ के कुछ खाया तो नहीं ना, वहीं खाएगा, अब तेरे को भूख लगी होगी। चल चल भाई, इधर से जाना पड़ेगा भाई, चलो भाई चलो 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 जल्दी, अबे वापसी इधर जाना है, उधर कहाँ जा रही है? धूप हो रही है बिल्कुल कड़क। हाँ अभी बस थोड़ा सा गाड़ी में डायरेक्ट बैठेंगे फिर निकलेंगे, ठीक है? पापा पहले बैठ गए, अपनी गाड़ी में आगे बैठते थे, अब हम आगे बैठेंगे। चलो 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 चलो, चलो। मैंने हमेशा ये वाली गाड़ी चाहिए होगी जो 7 सीटर है, यहाँ पर ज्यादातर कारें चलनी है भाई 5 सीटर 4 सीटर, कब से ढूंढ रहे थे तो फाइनली भाई मिल गई है, तो अब चलते हैं डायरेक्ट मंदी के लिए। अब तू ऊपर, तुझे बिठाता हूँ सुबह। अबे नहीं, मैं तू ही बैठेगा, अच्छा अगर रेडी टू बाइक होता ना तो फिर हमें इससे ही बड़ी गाड़ी चाहिए होती। वो भाई वो ऐसे बैठता है, अरबी बोल रहे सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा कुल्लू मौजूद है, सारे तमाम ना तमाम। पापा अरबी आ गए, पापा को तो बाहर निकल, बाहर निकल, मजबूत मजबूत मीन वेरी नाइस, वेरी नाइस। 5 मिनट में ही पहुंच गया अभी, लेकिन इन लोगों को अंदर बिठाया, देख कर आते हैं कि अंदर बैठने की जगह है फैमिली की, तो फिर हम इन सबको लेके जाएंगे। चलो चलो चलो, 3-4 साल मंदी है क्या जो खाने जा रहे हैं? जो भाई वो फैमिली हॉल नहीं है, बस यहाँ पर जो है वो लो और जाओ। हाँ, ताजे ताजे वाटर मेलन। मेरा जो ब्लॉग देख रहे होंगे ना अभी, तो 7 बंदों के हिसाब से ना जो जो हम कर रहे हैं, जो 7 बंदे अगर आपको लाने हैं तो बिल्कुल सेम ही कर लेना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। गरम गरम कुनाफा लग रहा है भाई, क्रीमी क्रीमी कुनाफा, पिछली बार भी लिया था, ये इस बार भी लेंगे। अच्छा पाकिस्तान में बेस्ट होता है कुनाफा, वहाँ पर भी जितने मंदी वगैरह है ना भाई रेस्टोरेंट, वहाँ पर भी कुनाफा बेस्ट होता है। बैठ के खाएंगे, मैं बताने आ गया हूँ भाई, लेके जाके होटल में खाना पड़ेगा। आप लोग ले आते हैं, जगह है ऊपर, चलो 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 आ जाओ आ जाओ। अबे भाई मैं उससे पूछ रहा कि भाई फैमिली, तो बोला नहीं नो फैमिली। पापा ने उसको यूं करा इशारा दिया, पर्ची दिखाकर बोले ऊपर। अच्छा डायरेक्ट ऊपर ले गया। ये क्या बता रहे हो अंकल, ये क्या है? हाँ ओ अच्छा, मैं बता रहे हैं कभी भी बैठो तो नीचे तो देख लेना उठाने के लिए। थैंक यू, सही है भाई, इन्हें हर नहीं समझे, ये सिर्फ इशारे समझते हैं, ये हम भी इशारों से ही बात करेंगे, बैठने वाला खड़े होने वाला। इधर जगह थी भाई, जगह थी, मैं भी यही बोलूं भाई, मंदी की जगह और बैठने की जगह ना हो ऐसा तो नामुमकिन है, फैमिली की जगह ये भाई। हमको देखा तो बोला था बैठने जा, मेरी तो नीचे नीचे बोला था नहीं है कोई जगह, अच्छा यही फिर समझ गया, चिकन मंदी बिरयानी मटन लहन लहन मंदी क्या गाइस, कमेंट्स पर लिख के लहन को शायद लहम बोल रहा होगा। 3 हमने मंगाई थी भाई बकरे की, और 1 मंगाई है हमने चिकन। हाँ यही बिरयानी। आपको मैं बता देता हूँ कि भाई इसका रेट क्या है 10 में से मंदी का। मैंने उठाई भाई एक बोटी और इसके साथ मैंने लिया चाव। हाजा लहम 10 out of 10। हाँ तो सीन ये हो रहा है ना कि इसमें सिक्के बच जाते हैं ना हमारे पास, तो मोम बोल रही है सिक्के यहाँ पर तो गरीब नहीं है तो किसको दे, मोम बोल रही है कि भाई जो हरम में जो सफाई करते ना तो उनको ना आते जाते पैसे दे दिया करो, अच्छी बात है यार, जब भी आपके पास सिक्के बचे ना सिक्के, सिक्कों को आप हरम में जो काम करने वाले उनको दे दिया करें। मम दिल बड़ा कर रहा है वर्ल्ड में, काटने के सामान नहीं है ना क्या करें, मेरी मॉम को बहुत पसंद है ये, लेकिन छुरी है छुरी काट दो छुरी। हाउ मच? 10 रियाल, उतना महंगा दे रही हो? नो 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 नो, टू मच एक्सपेंसिव, नो नो टू मच, आई वॉन्ट 5-6 रियाल, थैंक यू 8 रियाल। मीठा स्वीट स्वीट या दिस स्वीट कटिंग यू हैव नाइफ? नो नाइफ। पर नहीं ब्रदर, हमारी अम्मा नहीं देती। थैंक यू ब्रदर, भाई हमारी अम्मा अगर लेती ही नहीं है भाई, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ने आपको पता होगा कि हम जाते हैं अगर लेने ये वाटर मेलन तो मोम क्या लगती है, यही काटो भले उनकी छुरी थोड़ी गंदी हो रही होगी, काटो यही मैं चखूंगी फिर लेके जाऊंगी, तो मम्मा ने नहीं लिया। दिल बहुत था ना, वैसे इधर भी टेस्ट चखना चाहिए था, टेस्ट अच्छा होगा। अच्छा अगर कटा हुआ कहीं मिल रहा होगा ना, कटा हुआ ले लेंगे, ठीक है? ये तीनों बैठ गए भाई पीछे, कुल्लू मौजूद, लेट्स गो। तो अब जा रहे हैं भाई वापसी घर, सारे जो भाई ऊपर जा चुके हैं और मैं यहाँ सिर्फ बैठा हूँ अकेले, और व्लॉग
अपलोड कर रहा हूँ यार यहाँ पर नेट का इतना इशू है। आप लोग को लग रहा होगा कि व्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है। एक तो भाई पाकिस्तान हमारा 2 घंटे आगे और ये 2 घंटे पीछे, तो मैं 3 बजे या 2 बजे से अपलोड करना शुरू करता हूँ और वो पाकिस्तान के बच जाते हैं भाई 7 या 8 रात के। अब मैं क्या करूँ, मैंने सिम भी ली ली है, मैंने इतनी महंगी सिम ली है कि यार नेट अच्छा चले, लेकिन सिम पे भी नेट अच्छा नहीं चल रहा और होटल का भी अच्छा नहीं चल रहा। तो लेकिन इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, और आप क्या क्या देखना चाहते हैं यहाँ पर मुझे कमेंट में लाजी बताएं, आपका क्या दिल कर रहा है। मैंने तो सब देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप बताएं मुझे कमेंट में। तो बाय करते हैं, फिर से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करना है। बाय बाय, टेक केयर। स्टार्टिंग के तो मैं खो गई थी। हाँ, मतलब मैं तो पूरे व्लॉग में खोई हुई थी। मेरे को ये भी नहीं पता चला कितने मिनट्स का, कितना इंटरेस्टिंग व्लॉग है, बढ़िया था। पर मेरे को ये चीज सही लगती है कि कितना कुछ ना सीखने को मिलता है अबाउट अनदर कल्चर, जो हमें वैसे नहीं पता लगता। जैसे कि वो स्टार्टिंग वाला जो भी था वो कुछ पता नहीं था कि आप ऐसे दुआ मांगो और देखना नहीं होता, मतलब वो फर्स्ट झपक में अगर जो दुआ मांगो है। That was interesting to know. पता नहीं वो true है कि नहीं. That was very interesting to know. And obviously religious places पे आपका जो भी beliefs हैं, तो I think वो मुझे देख के वैसे अच्छा लगता है कि किसी का इतना तगड़ा belief system है। शांति सी होती है एक vlog में होती है इसमें। Also, ये चीज भी मुझे अच्छी लगी कि जैसे मंदी हमें नहीं पता था क्या है, बट आई थिंक बिरयानी को मंदी ये वहाँ पे बोलते होंगे, बिरयानी को मंदी, या मतलब क्या पता ही है? आप लोग बताना गाइस कमेंट सेक्शन में मंदी बिरयानी को क्यों बोलते हैं, पता नहीं क्या चीज थी, ऐसा लग रहा है। Also, ये देखने में थोड़ी सी हैरानी है क्योंकि यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि अरे उर्दू बोल रहे, उर्दू तो आती होगी, अरबिक और उर्दू सिमिलर लगते हैं ना। हाँ, बट काफी डिफरेंट है। तो लैंग्वेज बैरियर वहाँ भी दूसरी कंट्रीज में हो जाता है, बट ये देख के भी अच्छा लगा कि पूरी फैमिली गई हुई है एंड फैमिली व्लॉग्स हमेशा अच्छे लगते हैं। और उसकी वो छोटी बहन है ना, सही है, बहुत सही है, वो बड़ी बड़ी मस्त बातें करती है। सो गाइस, दिस इज आवर रिएक्शन, वी रियली होप दैट यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड तो इस वीडियो को लाइक कर दो, उसको बहुत सारे कमेंट्स कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ, वी लव यू गाइस।